हमारे तेजस्वी जी, लालू जी जो भी आदेश देंगे उसी आधार पर मैंने हम लोग चलेंगे। हम लोग अलग हो गए तो आने वाला समय में हेमंत सोरेन को और कांग्रेस को भी अपने औकात की समझ में आ जाएगा। यदि कम्प्रोमाइज होता है तो होता है, और नहीं तो हम लोग 81 सीट से लड़ने का मैंने संकल्प किए हैं। अकेले भी लड़ सकते हैं यदि मैंने नहीं माने। सभी पार्टी को एक साथ मिल बैठकर और विचार करके सीट बंटवारा करना चाहिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से एक माहौल बना हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, और ये सीट शेयरिंग का मामला जो है तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर जो है अभी कुछ मामला सामने नहीं आया है। हालांकि इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के पास है, आरजेडी कार्यालय का हम नजारा दिखाएंगे कि आरजेडी का कार्यालय है और तमाम जो यहाँ नेता और कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। और यहाँ पर जो है कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोग अपनी बातें रखेंगे? हम लोग आरजेडी का सिपाही हैं। हम लोग जो हमारे तेजस्वी जी, लालू जी जो भी आदेश देंगे उसी आधार पर मैंने हम लोग चलेंगे। यदि कम्प्रोमाइज होता है तो होता है, और नहीं तो हम लोग 81 सीट से लड़ने का मैंने संकल्प किए हैं। पिछले बार तो 7 सीट मिला था ना, तो फिर अभी 12-13 क्यों कह रहे हैं? नहीं तो इसलिए ना, हम लोग का कद घटते जा रहा है। अच्छा, हमारे कार्यकर्ता मैंने जो है बिगड़ रहे हैं, बहुत खिसिया रहे हैं कि भाई कम्प्रोमाइज करके नहीं चलना है, अब हम लोग चुनाव और ज्यादा सीट पर लड़ना चाहिए। और अकेले भी लड़ सकते हैं? अकेले भी लड़ सकते हैं यदि मैंने नहीं माने। साहब मैंने हमारे हेमंत सोरेन जी, उनको तो कम्प्रोमाइज करके चलना चाहिए। हम लोग तो जिताने का काम करते हैं उनको, मैंने जो है, लेकिन उनको तो चाहिए था कि एक दूसरी बढ़ा घटा के मैंने जो है कम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। दोनों को फायदा होता, अच्छा होता उनका। कम्प्रोमाइज नहीं हुआ तो? कम्प्रोमाइज नहीं होगा तो हम लोग 81 सीट पर लड़ने के लिए तैयार है। गठबंधन तोड़ लीजिएगा अब तो, मैंने भाई हम लोग का जो साहेब बोलेंगे वही हम लोग करेंगे। अच्छा, साहेब बोलेंगे वही करेंगे, यानी कि आरजेडी में कहीं ना कहीं नाराजगी। नाराजगी कितना? नाराजगी थोड़ा सा नाराजगी है या ज्यादा? देखिए, यहाँ कुछ नाराजगी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को सम्मानित सीट मिलना चाहिए। क्या था, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहाकर और जिताने का काम किया, और 5 साल के दरमियान में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया, कहीं माने इनके साथ जिस तरह से अपना भेदभाव किया गया है, उससे हमारे कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। अच्छा नेता जी, ऐसा नहीं लगता है कि समय अब बीतता जा रहा है, नॉमिनेशन भी हो रहा है, और ऐसे समय में इस तरह की बातें समझ आनी? ये तो सोचना चाहिए था राहुल गांधी जी को और जेएमएम के नेताओं आदरणीय हेमंत सोरेन जी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर आपस में समझौता कर लेते कि हम लोग 70 पर लड़ेंगे, अब बाकी जो बचा था आरजेडी के दे देंगे और लोग लड़ेंगे। तो क्या हम लोग बंधुआ मजदूर हैं कि जो सीट दे देंगे हम लोग लड़ लेंगे? सभी पार्टी को एक साथ मिल बैठकर और विचार करके सीट बंटवारा करना चाहिए, और सम्मानित सीट सभी को मिलना चाहिए। जो आदेश आएगा ऊपर से, हम कार्यकर्ता तैयार, हमने 81 सीट पर तैयारी है। गठबंधन होगा तो जेएमएम कांग्रेस को हम पहले भी मदद किए लोकसभा में हर सीट में, नहीं होगा तो भी तैयार है, हालांकि हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो क्या लगता है कि जो गठबंधन के जो साथी है, बड़े भाई छोटे भाई जो मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बड़े भाई को छोटे भाई के लिए थोड़ा त्याग करना है। सीएम बनना हेमंत सोरेन जी को ही है, थोड़ा सा त्याग उनको करना है। हम लोग तो 2-4-5 जैसे एमएलए आ भी जाएंगे तो सीएम तो वही बनेंगे ना। झारखंड में तमाम सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद है, तो पर भी ऐसा हो रहा है, नहीं मना पा रहे क्या? मनाने की बात नहीं थी कि सर, जब ये सीट शेयरिंग का मामला आता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसी में फटेगा। जब कहीं राजद अलग, अगर हम लोग अलग हो गए, ये तो आला कमान तय करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अगर हम लोग अलग हो गए तो आने वाला समय में हेमंत सोरेन को और कांग्रेस को भी अपने औकात की समझ में आ जाएगा। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, मगर कुछ कहना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं, बस कुछ देर में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देर में कार्यालय के गेट पर खड़ा है, कुछ देर में। अच्छा,
अदम रोड पर है कार्यालय के। देखिए यहाँ पर आरजेडी कार्यालय के समक्ष हम मौजूद है और यहाँ पर नेता और कार्यकर्ताओं से हम फीडबैक ले रहे थे कि आखिर जो है उनके मन में क्या है, जिस तरह से नेता कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र की जो है उपलब्धि बताई है और उन्होंने कहा है कि हमारी बहुत बड़ी तैयारी है, अगर महागठबंधन में अगर अधिक सीटें मिलती है तो वो जीत कर जरूर दिखाएंगे। अब देखने वाली बात हो कि सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है ये मुद्दा जो है कब तक हल हो पाता है। हालांकि जिस तरह से महागठबंधन की ओर से अभी कुछ संशय बरकरार है और अभी भी जो जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे उसके प्रत्याशियों की लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है, ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कब तक बात निकल कर सामने आती है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो गया है। रांची से जीएन भारत के लिए मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।